अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हुसैना नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह ये जो कीमे का सामान था वो एक दिन पहले बना के रख दिया था, लेकिन अगले दिन अली सूज के कबाब बना रही थी और अब्दुल वासे यहाँ पर झूले में मैंने डाला हुआ है ताकि मैं साथ साथ काम कर लूँ और साथ साथ इसको भी संभाल लूँ। अब्दुल वासे लुक लुक हियर लुक हियर लुक हियर लुक हियर अब्दुल वासे लुक लुक हियर लुक हियर लुक हियर लुक हियर लुक हियर अब्दुल वासे मामा की जान ये मामा की जान है अब्दुल वासे अब्दुल वासी अब्दुल वासी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हुसैना नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन रोस्ट, वो बारबेक्यू वाला नहीं, ये चूल्हे पे बना रही हूँ। तो बहुत ही मज़े का बनता है, इतना कुछ नहीं, बस सारे स्पाइसेस मिक्स करके मैरिनेट इसको कर लिया और अब इसको बिल्कुल घी में डाल के बिल्कुल हल्की आँच पर पकाएंगे और साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे, चम्मच के साथ नहीं, ये साइडों से पकड़ के और कपड़े के साथ हिलाएंगे ताकि ये जो नीचे ना लगे। और जब एक साइड से पक जाएगा फिर हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे, ठीक है। तो जब इसकी हम साइड चेंज करेंगे और इसका ये जो मिक्सचर है दही में मैरिनेट किया था तो दही में ही करते हैं पागल, तो जब ये ड्राई हो जाएगा इसके साइड चेंज कर देंगे, फिर मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ। जब तैयार हो जाएगा तब भी दिखाऊंगी। और आप लोगों को चांद नज़र आ रहा होगा, आज जिस हिसाब से हम लोगों ने ईद की है तो आज ये 4 तारीख है और अगर देखें उस हिसाब से तो ये 3 दिन का, अल्लाह बेहतर जानते, 3 दिन का है या 4 दिन का ये चांद है। बस ये है, आज चांद बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। बहुत काश जिस दिन चांद नज़र आना हो उस दिन भी इसी हिसाब से नज़र आए। तो हरीम यासी के साथ खेलिए, हरीम से बाय। लैगी कौन सी पहनी है आपने इसके साथ? नीचे करो शर्ट, शर्ट नीचे कर। कौन सी लैगी पहनी है? तो सीन कुछ ऐसा है कि मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत दिखा दूं, अभी मैंने साइड चेंज नहीं की, वही जो हमारी मैरिनेशन थी वही ड्राई हो रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दूँगी लुक दिखने में कैसा नज़र आ रहा है। हाफ जो मैरिनेशन थी वो तकरीबन ड्राई हो चुकी है, जब ये थोड़ी और ड्राई हो जाएगी फिर हम साइड चेंज करेंगे ताकि एक साइड से भी थोड़ा और पक जाए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये सारा ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ठीक है, उसी ऑयल में। तो फिर साइड चेंज जब करने लगूँगी तब मैं आप लोगों को मिलूँगी। बाय बाय। तो यहाँ पर जो है वो रोस्ट तैयार हो चुका है लाइक ये, और इसने सारा जो ऑयल है वो छोड़ दिया है, इसके नीचे हल्की फुल्की ग्रेवी सी है ये साइड पे, इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं है क्योंकि मैंने प्याज ऐड नहीं किया। अगर आप लोगों ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो प्याज ऐड कर लें, तो अगर आप इसके फुल वीडियो चाहते हैं कि कैसे बनाया तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो फिर वो आपको आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगी, ठीक है। तो ये बन चुका है रोस्ट, अब रिव्यूज चेक करते हैं। मुझे तो बहुत मज़े का लगा, मैंने चेक किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।